Once again, good morning all of you. Today I am going to teach you pandas. Okay, I am going to start the new topic, pandas. Stop these childish activities. Okay, now you are grown up. Now you are grown up. Okay. So let's see. Today we will be learning about pandas, right? We will be learning about pandas. How to create cherries. Only one topic we will learn today, that is, what is cherries? How to create cherries? Nothing, not more than this. एक बार ध्यान से आप सुन लो, उसके बाद फिर हम जब टाइम देंगे फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना, ठीक है? और बिफोर लेट मी स्टार्ट वंस अगेन, लेट मी अनम्यूट यू. ओके, आई हैव लेट मी अनम्यूट ऑल ऑफ यू सो दैट इफ यू फाइंड प्रॉब्लम you can ask at that bit time. Okay, I have given you permission to unmute yourself, and now I am going to start this pandas, right? Python pandas, likhte bhi jana, python pandas. Next, importance. See, where does pandas stand? Panda ka zarurat kahan padta hai? जहां पर डाटा को एनालाइज करना है. पांडा का जरूरत कहां पड़ता है? जहां डेटा को एनालाइज करना है, जहां डेटा को बड़े पैमाने पर जहां डेटा को स्टोर करना हुआ, डेटा को एनालाइज करना, वहां पर पैंडास का जरूरत. पैंडा क्या है? ये पाइथन का एक मॉड्यूल है. पैंडा क्या है? ये पाइथन का एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है? इसको हम लोग पैंडास कहते हैं. होल सिनेरियो इज मूविंग अराउंड ओनली वन थिंग, दैट इज होल सिनेरियो इज मूविंग अराउंड ओनली वन थिंग, दैट डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस, डेटा और डेटा एनालिसिस का जरूरत क्यों पड़ता है? डेटा एनालिसिस डेटा के ट्रेंड्स को देखने के लिए, डेटा के कोरिलेशन को देखने के लिए, समराइज इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए डेटा एनालिसिस का जरूरत पड़ता है, ठीक है? टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, टू एक्सट्रैक्ट हिडन डेटा, टू एक्सट्रैक्ट रिलेटेड डेटा. एक एग्जांपल से हम बात करते हैं. हमारे शहर में बिग बाजार है, या बहुत शॉपिंग मॉल की संख्या बढ़ गई है, ठीक है? को रिलेटेड डेटा, हम रिलेटेड डेटा के हमें देखना है कि अगर फेयर एंड लवली का सेल होता है तो और क्या क्या चीज का सेल होता है. अगर कोई कस्टमर फेयर एंड लवली लेता है तो और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा लेता है. दिस इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेटेड डेटा. वी ट्राई टू फाइंड आउट द मैचिंग डेटा. ओके, सो डेटा इज अ मैसिव कंसर्न फॉर एनी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा एक मैसिव कंसर्न है, और पाइथन में डेटा एनालिसिस करने के लिए वी हैव द टूल्स, दैट इज कॉल्ड पैंडास. आई होप इट इज क्लियर. छोटा सा इस स्लाइड के माध्यम से एक चीज हम जानकारी हम लोग को मिला कि पाइथन पैंडास क्या है. पाइथन पैंडास पाइथन का एक लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है जो डेटा के एनालिसिस करने में हेल्प करता है. आई होप दैट दिस स्लाइड वुड बी क्लियर टू यू. नाउ पैंडास इज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव लाइब्रेरी दैट ऑफर फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर. ओके, इट वॉज डेवलप्ड बाय मैकिनी. द आईकॉन, इसका आईकॉन पैंडा का फोटो है, ठीक है? नाउ द फुल फॉर्म ऑफ पैंडास इज पैनल डेटा सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इट्स फुल फॉर्म
Now feature of pandas. Feature of pandas. It can read write many different data formats. Column from panda data structure can be added or deleted. Column. I hope you could be understanding column. Just now I have taught you MySQL. थोड़े ही दिन पहले हम MySQL पढ़ाए हैं तो ध्यान में आ रहा होगा कि कॉलम किसको कहते हैं, लंबे वाले किसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो पैंडास में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एड द कॉलम्स इफ नीडेड, मतलब हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। इट सपोर्ट ग्रुप बाय ऑपरेशन, ग्रुप बाय ऑपरेशन भी हम लोग देखे हैं MySQL में, सम, मैक्स, मीन, एवरेज, दीज आर द ग्रुप बाय फंक्शन, ग्रुप बाय ऑपरेशन। This group by operation can be performed on the pandas. Okay, pandas allows transformation. Transformation का मतलब row को column में convert करना, column को row में convert करना, this is transformation. It allows selection of subset of data. It allows selection of subset of data. मान लो तुम्हारा हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से मान लेते हैं कि एक टेबल है जिसमें दस रो और पांच कॉलम है। नाउ 10 रो एंड 5 कॉलम, ओके। आउट ऑफ दिस 10 रो एंड 5 कॉलम आई कैन एक्सट्रैक्ट एनी थ्री रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। दिस इज कॉल्ड, इट अलाउ सेलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ डेटा। It allow feature to reshape the data as required. Data को जैसे जरूरत पड़ रहा है वैसे हम उसको reshape कर सकते हैं अपने analysis करने के लिए, data को analysis करने के लिए जैसे अपने जरूरत के अनुसार हम उसको reshape कर सकते हैं, column में कर सकते हैं, multiple column में कर सकते हैं। It allows visualization of data. Visualization of data means conversion of data into visual forms. Visual form that is called chart. बहुत इजी है, बहुत आसान पड़ेगा, ध्यान से सुनते जाना है। Now what are the data structure in pandas? In the previous class I have also taught this. Data structure that is the also it is also called as data container. So there are basically three structures available in the pandas. These three structures that you can see here, the three structure available in the pandas, that is first one is series, second one is data frame, and third one is panel. I hope it would be in your mind that how do they differ. Umeed karte hain ki ye dimag mein hoga tumhare ye kaise differ karta hai. Agar hum series ki baat kare तो सीरीज इट होल्ड वन डायमेंशनल डेटा, ठीक है, वन डायमेंशनल होमोजेनस म्यूटेबल डेटा। वन डायमेंशनल मींस इट हैज ओनली वन डायमेंशन, मींस डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, ओके। नेक्स्ट इज द डेटा फ्रेम, दिस इज डेटा फ्रेम्स। यू कैन सी हियर व्हाट आई हैव रिटन, टू डायमेंशनल, द फर्स्ट वाज वन डायमेंशनल डेटा फ्रेम, स्टोर टू डायमेंशनल डेटा एंड हेट्रोजेनस डेटा। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, वेर एज सीरीज स्टोर होमोजेनस डेटा, same type of data and only one dimension. And third is panel. Panel, it is three dimensional way of storing the data. Ab ye batao ki ye kaisa data store karega, homogeneous ya heterogeneous? Definitely it is heterogeneous. Okay, I hope this slide would be clear to you. Next, again we will move on the next slide. Moving to this, now come to the series. We have just seen series, it is homogeneous, it is one dimensional array like structure that store homogeneous data. Okay, now what is array like structure? Let's see here.
let's see here. I hope you will be able to understand. It is one dimensional. See, this is what I am saying one dimensional. See, this is only one dimensional. Okay, and it is array like a structure. In array we have data as well as index. This is array. Okay, now similarly we have got the positional values. This is also called index. Okay, now the position, this is called index. This one will be called as zero. The first one, this will be called as zero position. This is one position. This is two. This is three. This is four. This is five. And this is at fifth position. Okay, I hope it is clear to you. Let me make you more clear. Now suppose this is at the zero position. This is at the zero position. And if I say here, this is at the one position. If I say this is at the two position, this is at the third position, this is at the fourth position. Okay, this is at the fifth position, and this is at the sixth position. If I say one by one, let me say here I have written 15. Okay, here I have written 15. Means in zeroth position, I have written 15. Then I have written 25. Then I have written 25. Then here I have written 46. Here I have written 46. Okay. And here I have written 37. So you can see here pretty well. There are two things has been reflected here. Okay. Two things has been reflected. Okay. The first thing is, that is the value. This is the value. This is the value. And this is the index. Okay. So series is a one dimensional, and this is one dimensional structure. You can see this is an example of, you can take a photographs of this. This is one dimensional structure. Now, if I talk about the two-dimensional structure, what will be its format? Its format will be, if I talk about the two-dimensional structure, it will be like this. See here. Okay, it will be like this. Two-dimensional structure. Okay, means I have got the rows and I have got the columns. This is called two-dimensional structure. Okay, this is called two-dimensional structure. I hope it is clear to you. Should I move to the next slide? Okay, then I hope it is clear to you, and let's move to the next. We will learn to create the Python pandas. Take it down, copy me isko likh loge. Okay, you take it down in your copy. Simple syntax, how to create the pandas series. Series ko kaise create karte hain? How we create the series, that we will see. Okay, so we have the different, see here, you can, the syntax to create the pandas series is this. This is the syntax to create the pandas series. The first one, it is data pandas. Okay, pandas dot series. S will be capital. Okay, and we have got the four attributes. The first one is data, second one is index, third one is dtype, and fourth one is copy. Okay, so first one is data. I have already shown you the data, and I have already shown you the index. Index value must be unique and hashable, same length as data. जितना डेटा होगा उतना ही इंडेक्स होगा. अगर हम इंडेक्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जीरो से एन माइनस वन तक,
मान लो डेटा की संख्या 5 है तो इंडेक्स कहां तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। ठीक है, डी टाइप इज द डेटा टाइप, इफ नॉन डेटा टाइप विल बी एनकोड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट टू दिस वी हैव, लेट्स मूव a series. Now series can be created by using various inputs like array, like dictionary, like scalar value, like list. I have not written list here. So a series can be created by list, by dictionary, by array, or by any scalar values. Okay, I hope it is clear. Next, how to create the series. थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लोगे बच्चों, कॉपी निकाल लो। ठीक है, यू टेक इट डाउन इन योर नोटबुक। सो हाउ वी विल क्रिएट द सीरीज, फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट द पैंडास। ओके, फर्स्ट व्हाट वी नीड टू इंपोर्ट द पैंडास। सी हियर आई हैव रिटन द इंपोर्ट स्टेटमेंट, आई हैव इंपोर्टेड पैंडास। नाउ आई हैव इंपोर्टेड द पैंडास एज pand. Okay, pand means I will use this pand. Okay, I will use this pand further. Okay, this pand means I have imported pandas and it is a variable is pand. You can see here I have used the pand. I am using the pand here. Okay, now this is the name of the series. This is the name of the series. Okay, first let me label it. You can take the snapshot of this also. Here I have imported pandas. Okay, so what I have done here, I have imported the pandas. Okay, then here I have declared a series name. Okay, then here in the third, you can see here I am making a series by using pandas.series. I will not use pandas because I have named it, I have imported it as a pand. So here I will write pand.series. I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. Next, let me move to the next slides. And here I have printed it, series 1. Next, move. You can see here, import pandas as pand. Okay, what we have done? We have imported pandas, okay, as pand. Okay, series 1 is equal to pand.series. मान लो अगर हम यहाँ पर लिखते a, ध्यान देना यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा, जो दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं समझ में आएगा वो दूर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर राम लिख लेते तो क्या होता, मीन्स वी हैव इंपोर्टेड द पैंडास इन राम, तो यहाँ पर भी राम लिखना होता। ठीक है, राम डॉट सीरीज। Okay, and this is how we have created a series. Okay, this is how we have created a series. You can see here, this is series 1. We have created a series. The name of the series is series 1. In order to create a series, we have written pand.series. Now pand is the imported variable in which I have imported the pandas. Now this is the, you can see here, this is list. I have declared a list. Now, and here I have printed the series. Okay, here I have, you can see the output. Here you can see the output, 10, 20, 30, 40. You can see the by default index has been given here. You can see this is the by default index 0, 1, 2, 3,
and these are the values. Okay, these are the values. Okay, and this is representing the data type of the series. It is of integer data type, and hence it is written int 64. I hope it is clear to you. I will execute it. Let me execute it so that it will be more clear to you. Wait for the one or two example. Let me illustrate one or two example. Then I will make you. Then I will execute it also. Next, come to the next. See, again here I have created a series. Okay, import pandas as pand. Now here we have designed a list. The difference is that you take it down. थोड़ा लिख लो. लिखते भी जाना. बस यहाँ देखना क्या है कि see here I have declared a list L1. Here I have declared a list L1 and here I am using the list L1. I am using this list here. I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. And next. क्रिएट अ सीरीज. अभी रुक जाओ, थोड़ा सा इसको लैब करके दिखा देते हैं. लिसन स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट पांडास कोड एंड यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ सीरीज. फॉर दिस वी नीड टू इम्पोर्ट पांडास. फॉर दिस वी राइट इम्पोर्ट pandas import pandas as pd. Here I have written the import statement and it has been imported in the variable pd. Now we will make the use of variable pd. Okay, now I am going to create a series. The name of the series is h1. Okay, h1 is equal to pd dot pd, that is the name of the where I have imported the pandas. Pd dot series series series, s should be in capital. And here let's write, suppose I have written a, then I have written here b, then I have written here c. Okay, and finally I have closed it. And now so I have created a series. The name of the series you can see here, it is h1. Okay, it is h1. And the pd which you can see, it is a pandas. We have imported panda and the name of the variable, it is pd. So I am making the use of pd, and using pd I am creating a series. The name of the series is h1, and finally I have created it. And now I will print the series. Okay, and so the name of my series is h1. I have written the code. Now I am supposed to save it. I will be saving it with the name of p1. Okay, it's saying that p1 already exists. I will overwrite it, and now we will execute it. I have executed it. You can see it has been executed. You can see 0, 1, 2, this is the index. And ABC, it is the variable, it is the value, it is not variable, sorry, it is the value which we have stored in the series. The positional value of element A is 0. The positional value of element B in series is 1. The positional value of C in series is 2. DT type, you can say data type, it is of object. Okay, I hope you would have understood how to create the series first. Okay, now let's move to the next example. Let's see, again I am going to create a next series. For this again I will import pandas. In this time I am taking a variable pp. Okay,
and I will be making the use of pp. The basic purpose to change the variable name is to make you understand. ये variable को change करने का purpose यही है कि हम फिर से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा series ले रहे हैं. Series I am taking s2. s2 is equal to here we will take what we will write, again we will write pp dot series, s should be in capital, okay, s should be in capital, series, and we have given the small bracket. After small bracket we will give a big bracket, and here we will write 1, sorry I should not write 1, it will conflict 21, it is 42, 31, 11, and I have closed big bracket, then I have closed small bracket. Now by this we have created, and again going to print, the p must be a small else it will give error. I'm going to print. Now see, I have written s2 is the series name. I am supposed to save it. I will give its name p3. Okay, p3 is already just in my computer. I will replace it, and see, I have replaced it. Now I have pressed f5, it is giving error. Let me check it. So what is it? It is import pandas in. I have written in, it should be as, it should be as. Okay, now I have saved it, and let execute it. I have executed it, you can see, and finally it has executed. Now you can see the positional value of value, positional position index value of value 21, it is 0. The index value of 42, it is 1. The index value of 31, it is 2. When you do not provide any index, I am showing you the output of both the examples. In the previous one it is also reflecting here, you can see. पहले वाला भी example दिखा रहे हैं और बाद वाला भी दिखा रहे हैं. ए बी सी पहले वाला है और 21, 22, 21, 42, 31 और 11 ये बाद वाला है, ठीक है? दोनों में अंतर ये है कि एक जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, दूसरा इंटीजर टाइप का है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम कोई इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जीरो से शुरू होता है और जितना एलिमेंट है उससे एक कम तक लेता है. हम पहले वाले में देख रहे हैं कि कितना एलिमेंट है, देर आर 3 एलिमेंट, ए बी और सी, ठीक है? ए बी और सी 3 एलिमेंट है. तो हमारा इंडेक्स कहाँ तक गया, 0, 1 और 2, मतलब 2 तक गया. एन माइनस 1, एन हमारा कितना है, 3 है, ए बी सी 3 हो गया, ठीक है? तो एन माइनस 1 ये 2 तक गया, 0 से 2 तक, ठीक है? उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में वी हैव टेकन अ 4 एलिमेंट, 21, 42, 31 एंड 11, देर आर 4 एलिमेंट. नाउ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इंडेक्स वैल्यू हैज गॉन फ्रॉम 0 टू 3. आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू. लेट्स सी अनदर एग्जांपल वेयर वी विल स्पेसिफाई द इंडेक्स, वेयर वी विल स्पेसिफाई द इंडेक्स. सो लेट प्रोसीड. So see here, once again I'm going to import pandas as p, okay. I'm taking p, and series name I'm taking s3 series ka naam le rahe hain, to kya likhenge, p, kyunki p se hum usko import kiye, p dot c. So a student, in this example I am going to create a series, and in this series I will define the index value of data exclusively. अब जो हम series बनाने जा रहे हैं, इस series में हम series के जो data values होंगे उनका index अलग से हम उसको define करेंगे. देखिए कैसे होता है. सबसे पहले import करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे बताते चले आ रहे हैं. import pandas एस पी रख लेते हैं इस बार, ठीक है? फिर हम यहाँ पर सीरीज बनाते हैं. s4 इज इक्वल टू p डॉट सीरीज series, ओके. और यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं मंडे
this is the first element. Then I have taken Tuesday. This is second element, and I have taken Wednesday, Wednesday. Okay, this is third element. Now see, at this point of time, अभी हम देखो इस पर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं प्रोवाइड किए हैं और इसको हम सिंपली प्रिंट कराते हैं. प्रिंट नाम क्या है? S4. ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, देखिए दिए प्रिंट करने के लिए. और देखो नीचे में जीरो पोजीशन पर मंडे, वन पोजीशन पर ट्यूसडे, थर्ड पोजीशन पर दे रहा है वेडनेसडे, सेकंड पोजीशन पर वेडनेसडे. नाउ वंस अगेन आई विल ओपन माय प्रोग्राम P4 को हम फिर से ओपन किए. देखो वो प्रोग्राम फिर से यहाँ पर खुल गया. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका इंडेक्स वैल्यू एक्सक्लूसिवली हम प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो दे रहे हैं, कॉमा से सेपरेट करेंगे. इंडेक्स INDEX, ओके, इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड हियर अगेन आई एम राइटिंग 3, 4, 5. ओके, एंड आई हैव क्लोज बिग ब्रैकेट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. आई हैव सेव्ड इट. लेट्स एग्जीक्यूट इट. नाउ सी इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, यू कैन सी if it is not visible, let me move my camera and let me scroll down so that you could see. यू कैन सी हियर. देखो पहले वाले में क्या है, मंडे का अगर हम कुछ स्पेसिफाइड नहीं किए तो वो जीरो हो गया, ट्यूजडे का वन हो गया और वेडनेसडे का टू हो गया. पर दूसरे वाले में देखो क्या है, हम मंडे का इंडेक्स 3 स्पेसिफाई किए. ठीक है, ट्यूजडे का हम 4 स्पेसिफाई किए और वेडनेसडे का 5 स्पेसिफाई किए. यू कैन सी दिस इन द प्रोग्राम टू. Let me open the program. देखो यहाँ पर मंडे का हम यहाँ पर इंडेक्स 3 दिए हैं. सबसे पहला पहले मंडे है और इधर इंडेक्स में सबसे पहले 3 है. फिर ठीक उसी प्रकार ट्यूजडे और इधर 4 है. मीन्स आई हैव स्पेसिफाई द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ट्यूजडे एज ए 4 और फिर वेडनेसडे का 5 दिए जो यहाँ पर दिखा रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एज एन स्टूडेंट वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट सीरीज, मगर ये जो सीरीज बनाने जा रहे हैं इस सीरीज में हम एरे का यूज़ करेंगे और लिस्ट का भी यूज़ करेंगे. ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आई ओपन, I'm creating a new file. I hope it is visible. Let's see here. Import. सबसे पहले यहाँ पर हम import कर लेते हैं numpy को, numpy numpy as n. Then I have imported. Import pandas. Pandas as p, right? Now you see here, I am going to create array. Arr is equal to n dot array, and here I have taken Ram, first element, second element Shyam, third element I have taken Mohan, right? So I have created array. Okay, next I am taking roll number, I am creating roll, and it will be in the form of list 3
7, 10. Okay. Now I will be creating a series. ठीक है, सीरीज क्रिएट करते हैं. सीरीज का नाम हम रख देते हैं डाटा. तो सीरीज को क्रिएट करने के लिए p.series. ठीक है, अब डाटा के जगह पर हम एरे को पास करते रहे हैं और इंडेक्स के जगह पर हम रोल को पास करते रहे हैं. ठीक है, इस प्रकार हमारा देखते हैं p प्रिंट कर देते हैं डाटा को. ठीक है, फाइनली विल सेव इट विद द हेल्प ऑफ p6 के नाम से हम इसको सेव कर दिए. अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. देखिए, एग्जीक्यूट कराते हैं तो एक एरर दे रहा है यहाँ पर, import numpy as n. numpy का स्पेलिंग गलत है शायद लिखा हुआ. numpy once again the spelling of, let's correct it, numpy as m. I have saved it. Again it is throwing some error. Pandas. Okay, again what I have written here, import statement, see pandas. एक्चुअली बोलते बोलते वो आदत हो जाता है. इम्पोर्ट पैंडास, कंट्रोल एस एंड एग्जीक्यूटेड. नाउ नेक्स्ट अगेन एरे, वेल क्रिएटिंग एरे इट मस्ट बी एन ब्रैकेट. Okay, again I have saved it and finally you can see it has executed. Okay, it has executed. You can see the first Ram, Shyam and Mohan. Now difference is that I have specified the index value of Ram, it is 3, it is 3. Index value of Shyam, it is 7. Index value of Mohan, it is 10. Now you can see here, again you can see here that for a specification, for defining the data part of the series, I have used the concept of array. Yahan par array ka use kiya, arr is equal to n dot array. Okay, and n is the variable name and it's of library of numpy. ये numpy को हमने derive किया है n में और n dot array लिखे हैं. फिर उसके बाद pandas को हमने p में किया. फिर देखो यहाँ पर data is equal to p dot series लिखे हैं क्योंकि pandas को हमने p में किया है. ठीक है, I hope it is clear to you. You will try it. Okay, thank you.